वीडियो के थ्रू एक वैद्यौ सर्किल प्लान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वैद्यौ सर्किल प्लान आखिर क्या है और ये कैसे काम करता है। दो चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली चीज कि ये आखिर है क्या। आज तक आप लोगों ने बहुत सारी कंपनियों के बारे में सुना होगा जो कस्टमर से पेमेंट लेती है और उसके बाद कुछ टाइम बाद समझ में ही नहीं आता है कि कंपनियां कहाँ कहीं मौजूद है या नहीं। नॉर्मली इस तरीके की जितनी भी कंपनियां होती है ये कंपनियां कस्टमर से पेमेंट लेती हैं, कस्टमर अपनी पेमेंट कंपनी को देता है। ये कंपनी इस पेमेंट को जो कस्टमर ने दी है कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए किसी अपनी स्कीम में इन्वेस्ट करती है और ये इन्वेस्ट करी हुई अमाउंट से ये पेमेंट कुछ टाइम बाद कस्टमर के पास रिटर्न होके जाती है। होता क्या है कि कस्टमर किसी ना किसी कंपनी पे डिपेंड होता है और जिस कस्टमर को पेमेंट मिलनी होती है वो भी कंपनी का ही कस्टमर होता है। ये भी इस कहीं ना कहीं कंपनी पे डिपेंड होता है। ये कंपनियां साल भर, 6 महीने, 2 साल, 5 साल से चलती है। कुछ टाइम बाद ये कंपनी दिखना बंद हो जाती है और जैसे ही दिखना बंद हो जाती है ये जो दोनों कस्टमर होते हैं ये दोनों बेचारे परेशान हो जाते हैं। किसी दूसरे की पेमेंट लगा करके इनके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है। हम लोगों ने वैद्यौ सर्किल प्लान लॉन्च किया। इस वैद्यौ सर्किल प्लान में इस मॉडल को हम लोगों ने पूरी तरह से हटा दिया है। दैट मीन्स कि अभी अगर कस्टमर कोई पेमेंट देगा तो डायरेक्टली किसी दूसरे कस्टमर के पास जाएगी। और एक और खास बात है, ये पेमेंट जो दूसरे कस्टमर के पास जाएगी डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में जाएगी। यहाँ से डायरेक्टली बैंक अकाउंट से डेबिट होगी और यहाँ पे डायरेक्टली किसी और के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी। आइए इसको समझने के लिए चर्चा करते हैं और समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। यहाँ पर कोई भी आदमी अगर ज्वाइन करना चाहता है, नॉर्मल सी चीज है, उसको प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर पे जाके टाइप करना है वेल्डॉस, WELDOS। वेल्डॉस टाइप करते ही सबसे टॉप पे आपको दिखेगा वेल्डॉस सर्किल प्लान। यहाँ पर आप आएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपको पेमेंट करनी होगी, आप जैसे ही पेमेंट करेंगे यहाँ पर आपके एक सर्किल बन के आएगा। बात आती है पेमेंट हम कितनी करेंगे। आपको 2000 रुपीज की पेमेंट करनी है। 2000 रुपीज की पेमेंट आप जैसे ही करते हैं यहाँ पे आपका एक सर्किल बन के तैयार हो जाएगा। जो सर्किल आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपकी हेल्प करने वाला है। यहाँ पे जैसे आपने 2000 रुपए की पेमेंट दी है आपका एक सर्किल बना है। सिर्फ इसी तरह से यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनका अपना अपना सर्किल यहाँ पहले से मौजूद है। मान लीजिए कोई दो बंदे हैं, 1 और 2, जिनका पहले से एक सर्किल बना हुआ है। आपने जो 2000 रुपए की पेमेंट दी तो आपका भी एक सर्किल यहाँ पे बन गया है। 2000 रुपए की जो आपने पेमेंट दी है, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि वो पेमेंट किसी ना किसी कंपनी के पास नहीं जाएगी, किसी भी कंपनी के पास नहीं जाएगी। ये 2000 रुपए की पेमेंट एट अ टाइम, एट अ सेकेंड दो लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने वाले हैं और हजार हजार रुपए के दो अमाउंट दो लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे इंस्टेंट उसी समय। ये पैसे ट्रांसफर होने में 1 सेकंड का भी अंतर नहीं आएगा। आपको अगर कोई यूजर सामने बैठा होगा तो आप पता कर सकते हो कि उसी समय उसके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। आप इन दोनों यूजर्स के फोन नंबर भी मिलते हैं, आप कॉल करके भी पूछ सकते हो कि आपकी पेमेंट इन दो के पास पहुंची या नहीं पहुंची है। जिन दो लोगों के पास आपकी पेमेंट पहुंचेगी आप उन दोनों लोगों के सर्किल में यहां दिखने लग जाओगे। बात आती है सर्किल में तो दिखने लग जाएंगे। ये सर्किल में जो लोग दिख रहे हैं ये लोग हैं कौन और इन्हीं दोनों लोगों को पेमेंट कैसे गई। मतलब आपकी 2000 रुपए की पेमेंट जिन दो लोगों को जा रही है दो लोग हैं कौन। क्वेश्चन सबसे पहले आप ये राइज होता है, आंसर एकदम सिंपल सा है। पहली पेमेंट उसको जाएगी जिस बंदे ने आपको इनवाइट किया होगा। जिस भी बंदे ने आपको इनवाइट किया होगा आपकी सबसे पहली इनकम 1000 रुपीज की उसके पास चली जाएगी। दूसरी पेमेंट जो 1000 रुपए की है ये उस बंदे के पास जाएगी जो वेल्डॉस में रजिस्टर
रजिस्टर्ड होगा, लेकिन आपका अननोन पर्सन होगा, आप इसको जानते भी नहीं होंगे कि कौन है कौन नहीं है। सेम यही चीज यहाँ पे भी, आप इस बंदे को जानते थे, आप इसके सर्किल में आ गए, लेकिन आप इस बंदे को नहीं जानते थे, इसके सर्किल में आ गए। इसको आपके थ्रू 1000 रुपीज की पेमेंट मिली है, कहीं ना कहीं इसको कुछ फायदा हुआ है आपसे। जिस तरीके से इनको पेमेंट आपके थ्रू मिली है, किसी को कोई सर्किल में आने का मतलब क्या है? अगर ये बंदा आपके सर्किल में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको इससे 1000 रुपए रिसीव हुआ है, इसके सर्किल में आपकी आईडी दिख रही है, मतलब आपके थ्रू इस बंदे को 1000 रुपीज रिसीव हुआ है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। कंपनी का कहना बस यही है, सिंपली आपको किसी को ज्वाइन नहीं कराना है, कुछ नहीं कराना है, नॉर्मली आपको अपनी आईडी लगा देनी और वेट करना है। वेट करना है, जैसे आपकी पेमेंट किसी अननोन सोर्स के पास गई है, इसी तरह किसी और की अननोन पेमेंट आपके पास भी आने वाली है। जैसे किसी अननोन सोर्स की पेमेंट आपके पास आएगी, वो आपके सर्किट में यहाँ दिखने लग जाएगा, थोड़ा और वेट करेंगे, एक और इनकम आपके पास आने वाली है, थोड़ा और वेट करेंगे, किसी और की भी पेमेंट आपके पास आने वाली है, थोड़ा और वेट करेंगे, किसी और की भी पेमेंट आने वाली है, फिर से थोड़ा वेट करेंगे, किसी और की पेमेंट आएगी, फिर से थोड़ा वेट करेंगे, किसी और की पेमेंट आएगी। एक सर्किल में मैक्स टू मैक्स 6 लोगों की पेमेंट आप रिसीव कर सकते हो, 6 से ज्यादा लोगों की पेमेंट यहाँ पे आप रिसीव नहीं कर पाओगे। आपने 2000 रुपीज इन्वेस्ट कर देते हैं, सर्किल परचेज किया था, आपकी खुद की पेमेंट किसी अननोन सोर्स के पास जाएगी। सेम यही कॉन्सेप्ट आपके ऊपर भी अप्लाई होगा, आपको केवल पेमेंट देनी है, उसके बाद वेट करना है, आपके पास अननोन सोर्स से 6 पेमेंट आ जाएंगी। 6 पेमेंट आने के बाद फ्रेंड्स 7th पेमेंट आपके पास नहीं आएगी। अब अगर आपको सिस्टम पे भरोसा हो गया है तो आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो। अगर अभी भी आपको सिस्टम पे भरोसा नहीं है तो कोई जरूरत नहीं आपको इनवाइट करने की, आप इतने में अगर संतुष्ट हो तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है बात। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू ज्यादा से ज्यादा इन्वाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो में प्रमोट कर रहा हूँ। मेरे को इनवाइट करने से बेनिफिट क्या है, आप लोगों के मन में एक चीज आ रही होगी कि जब बैठे बैठे किसी इंसान को पेमेंट मिल रही है, इस बंदे ने कोई वर्किंग नहीं करी और उसको फिर भी पेमेंट मिल गई है, तो फिर मैं क्यों परेशान हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट कर रहा हूँ। तो एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर किसी को हम इन्वाइट करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है। बेनिफिट थ्रू इन्विटेशन, इन्वाइट करने से सीधे सीधे 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट कि मेरा सर्किल, अगर ये बंदा मैं हूं तो मेरा सर्किल जल्दी से जल्दी बढ़ जाएगा, टाइम बहुत कम देर में मेरा सर्किल बढ़ जाएगा। अगर मैं 6 बंदों को इन्वाइट करता हूं तो बंदा तुरंत मेरे सर्किल में आएगा और ये 6000 रुपए मेरे मुझे बहुत ही कम समय में अर्न कर सकता हूँ, सबसे पहला बेनिफिट। जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है जिसको आदमी समझ नहीं पा रहा है, ये जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है, ये दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप लाइफ टाइम तक अपने इन्विटेशन से अर्न कर सकते हो। कैसे? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था 2000 रुपए की पेमेंट करी थी और आपने किसी को इनवाइट, जिसने आपको इनवाइट किया था उसके पास आपकी 1000 रुपीज की पेमेंट गई है। अगर मैंने 6 बंदों को इनवाइट किया है, मेरा सर्किल पूरा हुआ है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नहीं तो 1 महीने बाद इनका भी कभी ना कभी सर्किल पूरा होगा। इनका सर्किल जब भी पूरा होगा, मान लीजिए एक बार के लिए सेकंड नंबर वाली जो मेरी कोई फ्रेंड थी या था, इसका सर्किल पूरा हुआ, जब भी ये दोबारा से अब किसी के पास भी 2000 रुपए उसने लगाए थे और उसको 6000 रुपए रिटर्न मिल चुका है, तो जाहिर सी बात है ये फ्रेंड मेरा दोबारा से इन्वेस्ट जरूर करेगा। अब ये जब भी दोबारा से इन्वेस्ट करेगा, इसकी पेमेंट भी 2 भागों में बढ़ती जाने वाली है, पहली वाली इनवाइट वाले के पास और दूसरी वाली किसी भी अननोन सोर्स के पास। ये
जो इनवाइट वाले के पास जाने वाली है ये कोई और शख्स नहीं है, मैं ही हूं। ये लाइफ टाइम जितनी बार भी वर्क करेगा नहीं करेगा इससे बस पेमेंट आएगी, दोबारा से इन्वेस्ट करेगा। अब जितनी बार भी छह लोग दोबारा से सर्किल परचेज करेंगे हर बार उनकी हाफ पेमेंट मेरे पास आने वाली है, 1000 रुपीज की पेमेंट मेरे को रिसीव होने ही होने वाली है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है किसी बंदे को इन्वाइट करने से। यहां तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आपके मन में कुछ डाउट्स आ रहे होंगे, उन डाउट्स को मैं जैसे जैसे पिक्चर पूरी क्लियर करता चला जाऊंगा आपको समझ में आता चला जाएगा। केवल और केवल एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। अभी मैं बताना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू जो भी आपके मन में चल रही है। मैंने अभी अभी आपको बोला कि किसी भी बंदे के सर्किल में 6 बंदे आते हैं। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए की जरूरत है, कुछ नहीं करना है, सुबह निकल जाना है, लोगों को इनवाइट करना है और इनवाइट करके मैं 10 बंदे तैयार करने हैं और कहीं ना कहीं उनका भी कुछ ना कुछ बदल ही पूरा होगा क्योंकि उनको भी पेमेंट आएगी आएगी। इन 10 बंदों को जब मैंने इन्वाइट किया तो प्लान के हिसाब से मेरे पास आधी पेमेंट आ रही है, 1000 रुपीज आ रहा है, तो मेरे पास 10,000 रुपए आ जाने चाहिए। लेकिन जब मैंने इस प्लान को सुना था तो मेरे मन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि अगर एक सर्किल में 6 ही बंदे आते हैं और मैं 10 को इनवाइट कर देता हूं तो बचे हुए 4 बंदे कहां पे जाने वाले हैं? मेरे पास कोई एक्स्ट्रा सर्किल तो है नहीं, ये 4 बंदे कहां पे जाने वाले हैं? तो आंसर एकदम सिंपल सा है, जैसे ही ऐसी कोई सिचुएशन आती है कंपनी में सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक आपका एक डीएक्टिव सर्किल ओपन हो जाएगा। इस डीएक्टिव सर्किल में आपकी बची हुई 4 ID आ जाएंगी, 7, 8, 9 और 10। डीएक्टिव सर्किल में आईडी आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, आपको मन में बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि 4 ID से आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। मिलेगी, आपको भी मिलेगी और जिसके पास दूसरी रैंडम सोर्स वाली पेमेंट आनी थी वो भी जाएगी। आपको इससे भी पेमेंट मिलेगी, इससे भी मिलेगी, इससे भी मिलेगी और इससे भी मिलेगी। इन चारों लोगों से आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। तो फिर बात आती है जनाब फिर हम दोबारा से सर्किल क्यों परचेज करेंगे? अगर मेरे पास पेमेंट आई रही है इनवाइट करने से तो हम दोबारा से क्यों सर्किल परचेज करेंगे? आंसर एकदम सीधा सा है, इस सर्किल को कंपनी ने नाम दिया है डीएक्टिव सर्किल और इसका नाम दिया है एक्टिव सर्किल। एक्टिव सर्किल करने के लिए आपको 2000 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ती है, डीएक्टिव सर्किल बिना पेमेंट के बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है जैसे ही आपके पास आईडी आती है। तो फिर बात आती है कि फर्क क्या है दोनों सर्किल्स में। दो अंतर है जनाब, पहला अंतर एक्टिव सर्किल अननोन पेमेंट से भरता है, इसको अननोन सोर्स बोल लीजिए या फिर ऑटोफिल बोल लीजिए। ये ऑटोफिल होता है, इसमें अननोन सोर्सेस की पेमेंट भी आती है, ये वाली पेमेंट इसमें आती है। लेकिन डीएक्टिव सर्किल में अननोन सोर्स से कोई पेमेंट नहीं आती, ऑटोफिल नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके थ्रू इनवाइटेड लोगों से ही भरता है, इसके अलावा कोई भी उम्मीद नहीं है कि ये दोबारा से भरे। दूसरा अंतर जो सबसे बड़ा अंतर है, एक्टिव सोर्स का कोई भी बंदा अगर री इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए मेरा सेकेंड नंबर वाला जो फ्रेंड है ये री इन्वेस्ट करता है तो इसकी पेमेंट फर्स्ट वाली मेरे को जा रही थी। लेकिन अगर डीएक्टिव सर्किल में जब बंदा एंटर किया, मान लीजिए 10th नंबर का बंदा था, जब एंट्री करी तो मेरे को 1000 रुपया मिल गया। लेकिन इस 10 वाले बंदे ने अगर री इन्वेस्ट किया, एक और सर्किल परचेज किया, उस कंडीशन में री इन्वेस्ट करने में भी 2000 रुपए की पेमेंट करेगा, फिर दो बातों में बटेगी, 1000 1000, ये 1000 तो किसी अननोन सोर्स के पास चली जाएगी पाई जाएगी। लेकिन जो ये 1000 रुपए हैं जो इनवाइट वाले पर्सन के पास जाने थे, ये इनवाइट वाले पर्सन के पास ना जा करके ये पेमेंट कंपनी में चली जाएगी।